अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनपीएस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। देखिए आज की अहम खबर। आज जियागुड़ा के क्षेत्र में जो कोरोना का मरम्मत धीरे धीरे कम होते हुए आज तक टोटली 8 बस्तियों को कोरोना का जो वायरस अक्वायर किया गया है, इंशाल्लाह ताला आगे जो 5 बस्तियां इससे पहले इफेक्टेड थे, जहां पर कंटेनमेंट डिक्लेयर किया गया और उनको कंटेनमेंट जोन के तालुका से पूरे बंदोबस्त के साथ वहां के जितने भी आवाम हैं उनको पूरे कंटेनमेंट का जो रूल रेगुलेशन के तालुका से उनको कोई जरूरत है तो पुलिस और हमारे डॉक्टर्स उनको हर चीज़ का सुविधा देते जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि जो हमारे 5 कंटेनमेंट जोन्स ऑलरेडी बन चुके, जैसा कि वेंकटेश नगर, दुर्गा नगर, साई दुर्गा नगर, संजय नगर, इंदिरा नगर, ये ऑलरेडी रेड जोन का इसको बरकरार किया गया है। और थोड़े बहुत जो अभी जो इफेक्टेड है जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में बरकरार रहे, मैं आशा चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द जो हमारा फिगर 82 जाके मैं ऊपर के 2 निकाल के 8 तक आएंगे बोल के मेरा विश्वास है। अभी मुझे मालूम हुआ कि इससे पहले जो नागेश विद फैमिली के जो 9 जने जो दुर्गा नगर के पॉजिटिव केसेस थे वो नेगेटिव के रूप धारण करते वहाँ घर को वापस आए। मैं भगवान से, खुदा से भाई प्रार्थना कर रहा हूँ, यही भावना से हमारे जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे आशा वर्कर, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, पुलिस वाले है, ये लोग सबकी जो श्रम है उसको भगवान सही भी आज उनके ऊपर आशीर्वाद देते हुए उनके मेहनत का फल आज जितने भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बरकरार होते हुए हल्का हल्का धीरे धीरे कम होते जा रहे। मैं दिल के गहराइयों से जितने भी यहाँ पर मेरी माँ और बहन, जो पुलिस भाया, जो GHSM के लगातार रात दिन अपनी जान को बाजी लगाते हुए तो पॉजिटिव केसों के वास्ते सामने आए, मैं उनको दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ही यही भावना के साथ पॉजिटिव आए तो कैसा ये हो जाते बोल के डरने का नहीं है, उसका भी तोड़े, उसका भी इनिमीडिएटली अगर ट्रीटमेंट करे तो जैसा हमारे सामने एग्जाम्पल है, जैसा कि वापस आए लोग जो पॉजिटिव वाले नेगेटिव बन के आए, आज हैदराबाद में जियागुड़ा बोले तो अरे रे 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 बहुत पॉजिटिव बोले, लेकिन अल्लाह का एहसान है, भगवान का जो आशीर्वाद से हमारे लोग पॉजिटिव से नेगेटिव के ओर आ रहे हैं। एग्जाम्पल अभी दुर्गा नगर में जो 9 जने थे 7 जने वापस आए, इंशाल्लाह ताला आगे भी उसी तरह हमारे जो डॉक्टर्स और हमारे जो गांधी में ट्रीटमेंट है यहाँ से जितने भी सिस्टर्स अपने मेहनत को बरकरार रखते करें। और मैं अभी भी आज से इससे एक हफ्ता पहले भी मैं जोनल कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से दरख्वास्त किया कि इसको हम लोग कंट्रोल करना है, बोले तो घर घर को जाके जैसा कि एक घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है अगर पूरा छन्नी करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होते, वही भावना को लेके हमारे सिस्टर कम से कम एक 9 टीम्स बन के जो हर बस्ती में सवेरे जाके जहाँ पर बुखार है या जाड़ा है या खांसी है इस तरह वहाँ पर पूरा फाइंड आउट करके उनको जो चीज़ों की दवा की ज़रूरत है वो घर तक पहुँचा रहे, मैं उसका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह बस्ती बस्ती फिर के पूरा डेटा कलेक्ट करने से हमको पूरे जियागुड़े पे काबू ला सकते, यही भावना के साथ इसी मेहनत के साथ हम सब टीम के द्वारा, मैं ऐसे कॉरपोरेटर होने के नाते जितने भी मेरे साथ यहाँ पर हमारे जियागुड़े के अवाम की रक्षा के लिए ये कोरोना के मरम्मत को दूर करने के लिए हम सब मिलके उससे युद्ध करके, और अवाम से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करे, पुलिस का साथ दे दीजिए और डॉक्टरों का जो सजेशन है उसके ऊपर मानने की कोशिश करे, और मास्क कंपलसरी लगा लेने के वास्ते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अपना जो हाथ जो भी है हाथ मुँह धो के अच्छा शुभ्रता से रह के, जरूरत है तो ही बाहर निकले, अगर जरूरत नहीं तो अपने घर में रह के बाल बच्चों के साथ रहे, ये 15-15 दिन का बात है, एक 15-20 दिन अगर इसी तरह हम लोग लॉकडाउन का अगर आदर्श करें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम लोग इसका सामना करके इससे हम बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय तेलंगाना, जय केसीआर। अभी जियागुड़े में कितने पॉजिटिव केसेस हैं? आज तक तो हम लोग 80 तक हमारे यहाँ से पूरे बस्तियों से ज़्यादा आप 9 बस्तियों के लोगों को जैसा कि मिनिमम ट्रीटमेंट पॉजिटिव आया था उन लोगों को डायरेक्ट कुछ भी हम वहाँ पर भिजा रहे, इंशाल्लाह ताला अभी मालूम 80 से हमारा जहाँ तक भी मेरे कहे नेगेटिव 1-20-25 तक अभी आने वाले हैं, मैं
भगवान से को प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी गए वो नेगेटिव रूप का धारण करके आए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी विलंबना है।